एक्सेल में फीस कैसे जमा करते हैं या फीस का रिकॉर्ड कैसे बनाएं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूं, यहां से एक्सेल में पहले से बनाया हूं ये फीस रिकॉर्ड है। जैसे हमको स्टूडेंट का फीस जमा करना हुआ, कौन से महीने की कितना फीस है, तो जमा करने जो सिस्टम रहे ये थोड़ा ऑटोमेटिकली रहे, मतलब इसमें हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और ये काफ़ी अच्छे तरह से अकाउंटिंग करके फीस को जमा कर दे। इसमें दोस्तों ये बताया कि आप कितना महीना का फीस बचा है, कितना आप तक दे चुके हो, कितना महीना का देना है, कितना महीने दे चुके हो, पैसे के साथ आपको मंथ भी बताएगा और पैसा भी बताएगा, इतना पैसा भी आपको देना भी है। तो इस तरह का अटेंडेंस शीट, सॉरी, फीस रिकॉर्ड बनाने के लिए, और इसका आप कुल मिला के एक सॉफ्टवेयर भी इसको बोल सकते हो। और यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये जिस महीने का फीस जमा हो गया है उसमें सही के निशान है, और जिस महीने में नहीं जमा हुआ है उसका में ब्लैंक है। इस सिस्टम को आपको डेमो में दिखा देता हूँ कि आप समझ जाइए कि आपको ये वीडियो देखने लिए है या नहीं। तो अब यहाँ शुरू कर, जैसे कोमल एक स्टूडेंट है, ये कोर्स कर रहे हैं 12 मंथ का ADCA, इनका मंथली फीस है 500 रुपये। अभी यहाँ पे हम इनका एक महीने का फीस यहाँ पे पेड किए, ये देखो सही में अभी यहाँ पे एक महीने का फीस पेड की है। अभी यहाँ बताने अभी 11 मंथ का देना है फीस, और यहाँ पे लिखा है कि अभी 500 रुपये इनका फीस पेड हुआ है बस। अब यहाँ पे आएगी 5500 फीस अभी देना है, बचा हुआ है। तो दोस्तों दूसरा महीना हमने 5 महीने का फीस पेड कर दिया और 5 महीने का रिकॉर्ड बता रहा है, ये भी 5 महीने का आपका फीस जमा हो गया, 5 महीने 2500 रुपये जमा हुआ है, और 7 महीने का फीस अभी बचा है 3500 रुपये। तो दोस्तों इस चीज़ का इसमें दोस्तों एक है ऑटोमेटिकली ये कि अकाउंटिंग ही ऑटोमेटिक, मतलब आपको बनाने के बाद हर बार मेहनत करके फार्मूला यूज नहीं करना है, हर बार कलर करो, फार्मूला यूज करो तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसमें दोस्तों ये इसको क्या है, सिर्फ एक बार मेहनत कर उसको फार्मूला इस सॉफ्टवेयर को बना लीजिएगा सिस्टम को, उसके बाद आपके पास जितने भी स्टूडेंट रहे या कोई भी एम्प्लॉय वगैरह का आप उनका बनाना चाहते हो फीस का या सैलरी का, तो यहाँ पे आप बना सकते हो। जैसे मैं दूसरा स्टूडेंट दिखाता हूँ, दीपा, 3 महीने कोर्स है, अब यहाँ पर इनका फीस हम 300 रुपये महीना ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिखा दिया कि और दोस्तों इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, प्रिंटर दब गया था, हमने यहाँ पे 3 महीने का इनका फीस पेड कर दिया, इनका फीस 3 महीने का फीस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि दोस्तों ये ब्लैंक है, अभी ब्लैंक दिख रहा है बस। अब इस ब्लैंक को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसमें डबल क्लिक करके आप इसको इस एरिया को सिर्फ यहाँ से आपको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब डाटा को दोस्तों मैं समराइज करने में बता दे रहा हूँ, आप इसको ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी ये सही रहता है कि आप डाटा को डिलीट करके भी आप बना सकते हैं, तो ये इसमें काफ़ी यूज़फुल होने वाला है इस वीडियो को, आप इसको देखिएगा। और इसमें इसको मैं बनाते समय ये चीज़ें बताऊँगा कि आप जिससे कोई चीज़ बना दिए उसमें गलती हो गया वह कोई आपको बना के दे दिया है वो चीज़ें, तो आप उसमें कुछ करना चाहते हो कि हम कुछ नया एक्टिविटी करें, कुछ नए डिज़ाइन करें कि हमारा फार्मूला ख़राब ना हो, जिसे इसमें दोस्तों अभी मैं दिखाया कि इसमें फार्मूले ख़राब हो रहे हैं। ठीक, इस चीज़ को हम सही कैसे कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऐसे यूज़ करना शुरू कर दोगे, यहाँ पे टेबल वन जूम पैड ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, आप दोस्तों यहाँ पे इसको देख सकते हो, ये इंसर्ट टेबल की वजह से हो रहा है। तो अगली बार इसको मैं अभी बताऊँगा एक नया तरीके, काफ़ी लोग बना देते हैं, कमेंट में करते हैं सर हमने ऐसे बनाया हमारा बाद में फार्मूला काम नहीं करता है, तो इसलिए मैं पहले से बना के रखा हूँ कि आपको दिखा दूँ कि इस तरह का आप गलती करते हो उसको हम सही कैसे करेंगे। तो हर एक चीज़ का इसमें टेक्निक है दोस्तों, कि आपको कल समझना है, बस इसको दोस्तों मैं एकदम प्यार से बढ़िया समझाऊँगा, आप बनाना भी जान जाओगे और बना बनाना है कोई उसमें गलत हुआ है उसको भी सही करना जान जाओगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सभी प्रकार का सेटिंग आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो और दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, बताऊंगा भी साथ में कि इसके बनाने के क्या क्या प्रोसेस है, हमको पहली क्या सेटिंग करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों बनाने में काफ़ी लोग शुरू कर देते हैं, एक्सेल खोलते ही डिफ़ॉल्ट पेज रहता है उसमें बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। पहले हमको हर प्रकार की सेटिंग कर लेना जो रिक्वायरमेंट रहती है उस चीज़ को बनाने के लिए, तब उसके बाद हम शुरू करेंगे आगे बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, देखो एक्सेल पे में फीस कैसे जमा करें, पहले स्टेप में हमको क्या फॉलो करना है,
ये फॉलो करना है। सेकंड स्टेप में हमको पेज को लैंडस्केप करना है। दोस्तों इसको लैंडस्केप इसलिए करते हैं कि हमको डाटा को देना भी रहता है प्रिंट आउट करके, इसलिए भी ज़रूरी है कि डाटा हमको प्रिंट आउट करके हम कहीं देना रहेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे है, आप यहाँ पे कम लड़के हैं, आप जितना चाहे उतना स्टूडेंट का डाटा को भी प्रिंट करके या पीडीएफ बना के भेज सकते हो कि हर एक रिकॉर्ड आपके पास रहे। कभी कभी दोस्तों होता कि ब्लॉग बनाने तो बना लेते हैं, उसको एक पेज में नहीं सेट कर पाते, एक पेज के बाहर जा रहा, आधा मैटर प्रिंट हो रहा आधा नहीं हो रहा है, तो उनका मेहनत डाउन हो जाता है और कहते हैं उनका लॉस हो गया, उनका इंटरेस्ट भी हट जाता है। तो दोस्तों मैं जितना भी बताऊंगा सभी आप काफ़ी बढ़िया ढंग से आप सीख पाओगे, और जो प्रिंट आउट करोगे वो अभी आपका प्रिंट आउट होगा और काफ़ी अच्छा ढंग से ये भी बनेगा भी। और इसमें हमने बनाने पूरे स्टेप दे दिए हैं दोस्तों। इसको 1000 सब्सक्राइबर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ में, काफ़ी बढ़िया स्टेप बाय स्टेप है। इसमें दोस्तों जो फार्मूला यूज होने वाले हैं, इसमें काउंट इफ और काउंट ब्लैंक ये फार्मूला यूज होकर इसको हम बनाएंगे। तो अब शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं दोस्तों। इसको वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको पूरा अच्छे ढंग से एक ही वीडियो में आपको फीस रिकॉर्ड बनाना या फीस का सॉफ्टवेयर बनाना आने लगेगा। आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मैं ये सिस्टम बनाता हूँ तो सभी यूट्यूब पे सभी वीडियो में देख करके तब बनाता हूँ। उसमें कुछ नया एक्टिविटी कर जो सब किए रहते वह मैं नहीं यूज़ करता, मैं कुछ उसमें अलग और सरल तरीके से जितना सरल हो सकता है उतना सरल तरीके से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगे भी और कम समय में आप बना भी पाओ, आपको समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक्सेल खोलना है, विंडोज आर दबा के एक्सेल टाइप करना और एक्सेल खोल लीजिएगा। एक्सेल खोलने के बाद दोस्तों जब एक्सेल खुल जाएगा कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, इसके बगल में जो दिया रहेगा कि रिसेंटली या रिसेंट, इसमें कि पहले बनाई हुई चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि हमने अब तक बनाया क्या है। और यहाँ पे अभी सिस्टम बनाने वाला आएगा कहाँ से, ब्लैंक वर्कबुक पेज पर। दोस्तों मैं छोटी से छोटी चीज़ को बताते हुए चलूँगा, जिनको आता रहे ठीक है, जिनको नहीं आता वो भी भाई जो लोग देखिएगा वीडियो को, आप एक ही वीडियो में काफ़ी अच्छा देखने का मतलब सीखने का सीख पाओ। तो इतना खुलने के बाद दोस्तों इसमें हमको क्या करना, पेज को लैंडस्केप करना है। पेज को लैंडस्केप करने के लिए पेज लेआउट मेनू में जाइएगा, ओरिएंटेशन पे जाइएगा और यहाँ पेज लैंडस्केप ओके करिएगा। जैसे दोस्तों आप पेज को लैंडस्केप करते हो यहाँ पे एक लाइन वगैरह आ जाता है, बॉर्डर वगैरह, ये पेज ब्रेक है, ये पेज को अलग कर देता है कि आप किस पेज में काम करने वाले। इसको मैं दोस्तों थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ आप देखो इस पेज में काम करना है, आपके सामने 255 पेज खुले हुए हैं। तो इसमें हम काम करने वाले हैं इस पेज में कि हमारा जो बने और उसको हम प्रिंट आउट करके निकाल भी लें, क्योंकि दोस्तों ये अक्सर यही काम किया जाता है कि डाटा ट्रांसफ़र करना, डाटा को भेजना, ईमेल पे भेजना और कहीं आप डाटा को एक्सेल के सेट भेज रहे हो उसमें कैसे काम किया जाएगा। तो ये हम कर दिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, ये हमारा सेट हो गया। अब इसमें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा आप लोग जब पेज लेते हो तो ऐसे ही मर्ज करके बनाना शुरू करते हो, ऐसी गलती कभी ना करना, नहीं बाद में आपको दुगना मेहनत करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो हेडिंग वगैरह है उसको लास्ट में बनाइएगा, पहले हम कॉलम को डिसाइड करके बनाएंगे। उसके बाद इसका पेज सेटिंग करने के लिए पेज लेआउट मेनू में जा करके मार्जिन में जाइएगा, यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग आएगी और इसमें कस्टम में जा करके दोस्तों यहाँ 7:7 रहेगा चारों तरफ, इसको आप 2:2 कर दीजिएगा लेफ्ट राइट और यहाँ पे ओके कर दीजिए। और दोस्तों इसमें कुछ अब छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ इतना करने के बाद ओके कर दीजिएगा और 4 नंबर से दोस्तों इसको बनाना शुरू करिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम शुरुआत करेंगे कि लिखना क्या है, अभी जिससे यहाँ पे हम रोल नंबर लिखेंगे। दोस्तों इसको कोई भी चीज़ बनाइएगा, थोड़ा कैपिटल में बनाइएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। आप स्मॉल भी बना सकते हैं या कैपिटलाइज में बना सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट नेम। और दोस्तों इसमें मैं कुछ सेटिंग भी बताऊंगा और यहाँ पर लिखते हैं मंथली फीस। और दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी। अब देखो हमको दिसंबर तक लिखना है दोस्तों, इसके पहले मैं कैलेंडर बनाना सिखाया हूँ दोस्तों, वहाँ पे आप जाकर इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको हम बनाते हैं और कैसे करते हैं। आप यहाँ पर दिखा है, इसको आपको लिख लेना है और इसको ड्रैग करना है, ऐसे ड्रैग कर लेना है। इसको पास पास लाने के लिए दोस्तों आप होम मेनू में जा करके या तो दोस्तों इसको को पास पास करने के लिए जो भी काफ़ी ये लंबा दूर तक चला गया है, बॉर्डर भी क्रॉस कर चुका है,
अब इसको पास पास करने के लिए आपको जाना है होम मेनू में और यहाँ पे मिलेगा फॉर्मेट और यहाँ पे मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विथ, इस पर ओके करिएगा तो ये दोस्तों पास पास हो जाएगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा लंबा इसलिए बनाता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, बनाने तो मैं 5 मिनट में बना सकता हूँ बट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि छोटी छोटी सेटिंग बताने में तो समय लगता है। तो वीडियो को देखते रहिएगा, मज़ा आएगा लास्ट तक। ये पास पास हो गया, अब इसमें और क्या काम बचा है, अब यहाँ पे हमको लिखना है जो फीस पेड होगा उसका नाम, यहाँ पे लिखे पेड मंथ, हम यहाँ पेड मंथ और उसके बाद लिखेगा रिमाइनिंग फीस मंथ लिखना है कि कितने महीने का फीस अभी बचा हुआ है, इसमें लिखना है फीस सबमिटेड। अब यहाँ पे लिखा है रिमाइनिंग फीस, मतलब अभी तक कितना फीस बचा हुआ है यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मंथ दिखेगा, यहाँ पे फीस दिखेगा। अब दोस्तों इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसमें करते हैं रैप टेस्ट। लोगों रैप टेस्ट क्या है, हमको एक ही रो में ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है रैप टेस्ट, जैसे वहाँ पे दिखाया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ टूट के नीचे चला आया है, ऐसे दोस्तों ये टूट के नीचे आएगा। यहाँ से कुछ सेटिंग करिएगा, आपको उसको बीच में कर दीजिएगा। और जैसे रोल नंबर को हमको इसको थोड़ा सेट करना है, ये हमारा सेट हो गया, थोड़ा कोर्स एडजस्टमेंट कर लेना है और यहाँ थोड़ा फीस के लिए हो गया है और इसको जनवरी के हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो काफ़ी ऐसे दिख रहा है और ये भी हो गया हमारा। अब दोस्तों हमने देखिए सेटिंग भी किए हैं और पेज को लैंडस्केप भी किए हैं, तब भी ये हमारा बाहर जा रहा है, तो इसको अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फॉन्ट का छोटा करो तब आएगा या कैपिटलाइज करो तब आएगा। हम इसको एक सेटिंग और बता देते हैं, इसको अंदर लाने के लिए जब सोचो कि सभी ऑप्शन यूज़ कर चुके हो कुछ नहीं बचा तब भी हमारा बाहर जा रहा है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमको, आप पेज लेआउट में जाइएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको स्केल 100% रहे, इसको हम थोड़ा कम करते हैं 95 को थोड़ा और कम करते हैं, थोड़ा और कम करना है। ये दोस्तों एडजस्ट हो गया हमारा, थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं कि आपको लिखे। दोस्तों यहाँ आप देखिएगा कुछ कॉलम छूट गए थे, हम इसको डिलीट करना है, तो इसको दोस्तों मैं जान के छोड़ा था कि आप लोग से गलती हो तो सुधारो कैसे। मैं ऐसे हर एक वीडियो में कुछ गलत करके बताता हूँ जिससे आप वो चीज़ों को किए हो तो उसको सुधार कैसे पाओगे, या बना हुआ चीज़ है कोई उसको कैसे बदल पाओगे। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे कुछ लोग कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, इधर से कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे लाकर पेस्ट करेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, इसमें काफ़ी समय चल रहा है कॉपी पेस्ट करने में। अब इसको डिलीट करना सीखिएगा, इसको डिलीट करने के लिए होम मेनू जाकर यहाँ पे डिलीट बना हुआ है सेल और यहाँ पे पूछेगा क्या डिलीट करना चाहते हो, इसको बोलना है कॉलम, जैसे कॉलम डिलीट करोगे ये दोस्तों सेट हो गया है। और दोस्तों जो हम कलर स्केल कर बताए थे वो भी एडजस्ट हो गया है, और यहाँ पे थोड़ा दोस्तों हम इसको नाम के लिए थोड़ा ऐसे खींचेंगे क्योंकि नाम स्टूडेंट का बड़ा भी हो सकता है, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, वैसे कहीं छूटा नहीं है, इसको थोड़ा दोस्तों आपको हम इसमें थोड़ा करके दिखाते हैं कंट्रोल पी करके। तो दोस्तों मैटर बनाते ही वक्त आप देख लीजिए कि हमारा मैटर जो है वो पेज में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये और यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, ये जब बॉर्डर के इस पार रहेगा यहाँ तक तो आपका प्रिंट आउट होगा, इधर चला जाए पेज के बाहर चला जाए। कुछ लोग इसको बनाने के लिए पेज लेआउट पेज बनाते हैं, तो हम इसको नॉर्मल पेज बनाते हैं, ये सभी चीज़ें दिखता रहे, आपको काफ़ी स्पेस भी मिलता रहा। अब इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट वगैरह कर देना है, थोड़ा इसको मर्ज करते हैं। मर्ज दोस्तों क्या होता है, ये सभी लाइन को एक लाइन कर देगा, यहाँ पे मर्ज और सेंटर हन किए और इसमें लिखते हैं स्कूल फीस रिकॉर्ड 2023। दोस्तों थोड़ा इसको हम पावरफुल बनाते हैं, इसको देखने में थोड़ा अच्छा लगे, और यहाँ से कोई कलर वगैरह कर देते हैं। तो दोस्तों ये सब सेटिंग वगैरह जानते रहे हैं कि कहाँ से फॉन्ट बड़ा किया जाएगा, छोटा कहाँ से किया जाएगा, डिजाइनिंग कहाँ से किया जाएगा, और ये दोनों को हमको सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है, इसमें नाम लिख देना है
स्पीड वगैरह का। दोस्तों एक्सेल आप लोग सीखिएगा, एक्सेल की जो आज के समय बहुत काफ़ी यूज चल रहा है। आप नोएडा, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, आप कहीं भी जा रहे हैं तो एक्सेल ही पूछा जाएगा आपको, दोस्तों एक्सेल आता है नहीं आता है। इसलिए दोस्तों एक्सेल में हर फिटिंग जानते रहिए, हर एक चीज़ जानते रहिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप जाके कंपनी वगैरह में जॉब भी कर सकें। मैं ऐसे अपने हर एक वीडियो में वो चीज़ फिटिंग लाता रहूँगा, वो चीज़ें बताता रहूँगा जो कंपनी में यूज चल रहा है, जिसे सीखने के बाद आप काफ़ी पावरफुल बन जाओ और हर एक चार्ज सेटिंग के बारे में आपको पता रहे, एक्सेल का आप एडवांस लेवल तक चीज़ें जान पाओ। ये आपसे कोई भी एक्सेल के बारे में पूछे तो ये ना कहो कि हमको नहीं आता, मैं वो चीज़ें सभी पढ़ा दूंगा, जिससे आपको कोई भी पूछेगा तो आप बता पाओगे अच्छे ढंग से और चीज़ें आपको आने शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगने लगा है, अब यहाँ पे हम बॉर्डर लगाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इतना लगा देते हैं, बाकी आप जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा उतना आप लगाइएगा। तो अब यहाँ पे हम रोल नंबर टाइप करते हैं। रोल नंबर दोस्तों इसमें हम एक थोड़ा डायनेमिक रोल नंबर बनाएंगे, जी ऑटोमेटिक ये बनता रहे तो बनेगा ऐसे, जिसमें हम लिखते हैं CSM 100 लिखते हैं। अब दोस्तों ये देखिएगा 101, 102, 103 ऐसे ही होते जाएगा। अब इसको हम पकड़ के या ड्रैग करते हैं, काफ़ी लोग इसको ड्रैग नहीं कर पाते। दोस्तों मैं इसके बारे में बता देता हूँ ये होता क्या है। जब इसको ओके करोगे, यहाँ पे देखो ये प्लस है हमारा, यहाँ पे 100 के नीचे एक छोटा सा बिंदु बना है, इस पर जाइएगा, ये प्लस छोटा हो जाएगा, फिर माउस के लेफ्ट बटन दबाकर आप नीचे की ओर खींचिएगा, ये आपसे होने लगेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ नाम टाइप कर देता हूँ, सुनील, मोहन, कमल, दीपक, सूरज, जीवन, रवि, जगदीश। दोस्तों मैं यहाँ पे नाम टाइप करती हूँ, यहाँ पर कोर्स टाइप करते हैं, लोग कोर्स क्या करते हैं। तो दोस्तों कोर्स है तो सभी कंप्लीट है, जो हैं सभी बढ़िया हैं, कोर्सेस हैं। आप एडवांस लेवल करना चाहते हो टैली कर लो, एक्सेल कर लो, सिर्फ जो एक चीज़ें में आपको इंटरेस्ट लगता है, सिर्फ इसी का काम करना है तो कर लीजिए। और जाते हैं कि आपके पास समय है तो आप ADCA कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। वैसे कंपनी का रिक्वायरमेंट जो है वो ADCA है, उसमें सभी चीज़ें आती हैं और 12 मंथ का है। तो यहाँ पे फीस वगैरह है कि महीने का आप कितना फीस किससे ले रहे हो, और यहाँ पे PGDCA भी है, उसको हम डाल देते हैं। कंप्यूटर में देखेंगे दोस्तों कोर्सेस बहुत सारे हैं जो आपको ठीक लगे, और या जो आपको रिक्वायरमेंट हो कि ये कोर्स करके आइए हम आपको जॉब देंगे, वो आप सीख लीजिए। या जिसको स्कोप चल रहा है, स्कोप तो सभी चीज़ चल रहा है, तो इसका फीस हम 500 रखते हैं कि कम समय में कम फीस में स्टूडेंट पढ़ पाएँ। जैसे कॉलेज रहते हैं वैसे उनकी फ़ीस रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फ़ीस कंप्लीट कर दी। यहाँ पे PGDCA का फीस थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। तो अब यहाँ पे हमारा सब कंप्लीट हो गया, तो दोस्तों इसको हम थोड़ा कलर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ कलर करने के लिए देखो वीडियो को भगा भगा के नहीं कलर की जाए, जिससे आपको देखिए आप और इससे आप काफ़ी चीज़ें सीखिए। तो दोस्तों कलर इसलिए करते काफ़ी हमको अच्छा लगता है, और हमको जब इसको हम एक्सेल को ओपन करते हैं फीस भरने के लिए और ये मिलेगा, तो इसमें हमको चीज़ें पता हो जाती है कि किसका कितना फीस बचा है, कितना देना है, वो सभी चीज़ें। अब यहाँ पे दोस्तों एक ही कलर करिएगा जनवरी दिसंबर तक, इसमें हल्का कलर करिएगा क्योंकि इसमें ब्लैक थोड़ा यूज करने वाले हैं, और इसको जब पेड मंथ को थोड़ा ग्रीन करिएगा, इसको ग्रीन कर दीजिएगा, और यहाँ से कलर को वाइट कर दीजिएगा, और इसको एक कलर दे देते हैं, इसको थोड़ा रेड कर देते हैं। दोस्तों इसको हम कलर कर लेते हैं, और यहाँ से इसको जाकर अब दोस्तों यहाँ से कलर कर लीजिएगा,
अब इसमें दोस्तों हमको इसको सिलेक्ट करना है इतना ऐसे की बार में। अब यहाँ पे वाइट कर देंगे और इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ भी वाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा बन गया। अब इसमें शुरू करेंगे, हमने अभी तक कोई भी चीज़ रहता है तो उसमें दो वैल्यू होती है, हर एक कंडीशन का दो वैल्यू होता है। तो इसमें दोस्तों एक्सेल में आपको दो चीज़ें सीखना है। पहला नंबर सीखिएगा डिजाइन करना, आप कितना अच्छा डिजाइन कर लेते हो ये आपके ऊपर रहता है। और दूसरा नंबर अकाउंटिंग करना, कौन से फार्मूला कैसे लगेगा, कैसे डाटा को समराइज किया जाएगा, अकाउंटिंग उसकी कैसी होगी, ये चीज़ें दोस्तों आपको आना चाहिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारा सारा सिस्टम बन चुका है। तो अब इसमें हम फार्मूला यूज़ करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसमें एक फंड चाहिए, ठीक, जैसे हम यहाँ फीस भरें तो ये सही के निशान लग जाए, ये लगेगा कहाँ से। तो इसको दोस्तों को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक करना है, और उसके बाद आप इसमें जाइएगा फंड फैमिली में। फंड फैमिली में ऐसे नीचे दिए और स्क्रॉल को करिएगा, तो इसमें एक फंड मिलता है वेडिंग टू, यहाँ पर लिखा है वेडिंग्स टू, इस पर ओके कर दिएगा। और दोस्तों इसको कैपिटल में आप भी दबाइएगा तो ये बनेगा सही के निशान, जिससे कंप्लीट रहेगा कि ये आपके फीस पेड हुआ है। तो बराबर करिएगा को, अब इसमें फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको बराबर लिखना होगा, उसके बाद इक्वल सी ओ यू एन टी काउंट इफ लगाने के बाद टैप बटन दबाइएगा, कोष्टक स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा करके इसमें आप दोस्तों पी लिखिएगा, ये पी की वैल्यू को प्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ओके करते हैं, अभी जीरो दिख रहा है क्योंकि आगे भी हम वैल्यू दिए नहीं है। हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पे हमको देख बताना है इसका कितना मंथ का फीस हुआ है, मतलब महीना बचा हुआ है, ये पेड मंथ बताएगा, इसके पहले बताएगा कि कितना महीना भी फीस देना है। तो इस चीज़ को कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे बराबर करिएगा और यहाँ पे दोस्तों जो खाली एरिया है उसको बताना, काउंट ब्लैंक का फार्मूला लगेगा, सी ओ यू एन टी भी दबाइएगा, ऐसा टैप बटन दबा दीजिएगा, फिर ऐसे दोस्तों इसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे इसमें कुछ टाइप वगैरह नहीं करना है और इसको ऐसे कोष्ठक बन के इंटर कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ लोग बताते हैं कि आप वीडियो को पूरा बनाते नहीं हो, छोड़ देते हो, तो इसलिए वीडियो को पूरा बनाया जा रहा है, पूरा दिखाया भी जा रहा है। और कहते हैं सर आप पहले अकाउंटिंग करके दिखाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि पूरा मैं इसको पूरा डाटा पहले डिज़ाइन किया, उसके बाद एक चीज़ बताने चल रहा हूँ, अब इसको देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसको बनाने के बाद इसको ड्रैग कर लीजिएगा, ये आपको कंप्लीट हो गया। आपको ये चीज़ें कंप्लीट करना है। अभी जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं हाजिरी इनका फीस जमा करना शुरू कर, जैसे यहाँ पे मैं जनवरी का फीस जमा किया और यहाँ पे अभी ये देखो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं पहले डाटा को पूरा फार्मूला लगा के सभी चीज़ें कंप्लीट कर देता हूँ तब शुरू करता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप परेशान मत होइएगा, सबसे पहले आप लोग यही गलती करते हो कि यहाँ शुरू कर देते हो लास्ट में कुछ किए नहीं, तो ऐसी गलती मत करिएगा। पहले आप फार्मूला लगा के सभी सिस्टम को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब स्टार्टिंग करिएगा फीस जमा करने का। अब दोस्तों इसमें क्या है कि हम जितने महीने का फीस पेड करेंगे उतना महीने यहाँ पे उसका पेमेंट लिखा जाएगा, ये चीज़ें आएगा, इसमें कोई फार्मूला लगेगा नहीं, सिर्फ आपको इक्वल करना है, कोष्टक खोलना है, आपको यहाँ मंथली फीस पर ओके करिएगा और इनटू करिएगा और यहाँ पर पेड मंथ पे, और जितने महीने का फीस आप जमा करोगे उतना महीने का ये पेमेंट यहाँ पर प्रिंट कराएगा। ओके करोगे, अभी यहाँ मैं कोई फीस वगैरह जमा नहीं किए हैं इसलिए यहाँ पे जीरो दिख रहा है। इसको हम थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं नीचे की ओर और यहाँ पे दोस्तों इसका भी देखते हैं। अब यहाँ बताया कि इतना पैसा आपको देना है, इसके लिए कौन फार्मूला लगेगा, बराबर करना है, कोष्ठक खोलिएगा, इस पर ओके करिएगा और गुणे, और यहाँ पे जो बताएगा रिमाइनिंग मंथ मतलब बचा हुआ मंथ कितना है, आप इस पर ओके करिएगा और कोष्टक को बंद करिएगा और इंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब ये बताया कि 12 मंथ में आपको 6000 पूरा देना है क्योंकि अभी 12 मंथ बचा हुआ है आपको देने के लिए। दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जैसे दोस्तों वहाँ पे फीस रहेगी वैसे आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। अब दोस्तों जैसे हमारा एक बार पूरा कुल मिलाकर फीस वाला सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो चुका है, अब इसमें फीस जमा करना शुरू करते हैं। तो जैसे अभी
अब यहाँ पे हमने फर्स्ट मंथ की फीस जमा कर दी सभी लोगों का। अब यहाँ पे कुछ लोग फीस जमा करिए, कुछ लोग नहीं जमा करते हैं, उनका छूटा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो ये कुल मिला के स्कूल के लिए बनाया जा रहा है कि स्कूल में आप एक्सेल से अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हो सीखते हो, सैलरी शीट कैसे बनाते हैं सीखते हो, तो वैसे ये भी है फीस रिकॉर्ड, फीस जमा करने का शीट कैसे बनाया जाएगा। आप या फीस का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो को देख करके आप ऐसे बना सकते हो। तो दोस्तों इसमें काफ़ी है क्योंकि ये थोड़ा रिस्क वाला काम रहता है, क्योंकि इसमें आप एक भी ज़्यादा कर दोगे तो फीस जमा हो जाएगा, तो इसको ध्यान से करना पड़ता है। इनको पेमेंट मिलने के बाद इसको चढ़ाना पड़ता है, तो जो लोग स्कूल में काम वगैरह करते होंगे वो जानते रहेंगे। आप इस तरह से फीस जमा कर, अब इसमें दोस्तों ये दिखाया गया कि इसका कितना महीने का फीस बचा है, कितना महीने का फीस पेड हो गया है, कितना पैसा तक जमा कर चुके हैं, कितना भी बचा हुआ है देना पैसा। दोस्तों यहाँ पे पूरा ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। मैं किसी का फीस पूरा महीने का कंप्लीट करके दिखाता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्या दिखाता है। आज दोस्तों इसको पूरा महीने का फीस कंप्लीट कर दोगे तो इस पर कोई फीस नहीं बचा रहेगा। यहाँ पर दिखा कि कोई महीने बचा ना हो, इनका कोई मंथ बचा हुआ नहीं है, ना कोई पैसा बचा, इनका कंप्लीट दिखा दे रहा है, पूरा फीस सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को आपको कैसा लगा, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ, कुछ नया लेके आएंगे, आपको वीडियो को पूरा दिखाएंगे और वीडियो को देखने